बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन में तुमरे आन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। फकी की ये रेसिपी है। फकी आप लोग बनाएं इस तरीके से, जब भी आप लोगों को गैस की तकलीफ़ हो, पेट में दर्द, मरोड़, मतली, इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पानी के साथ आप हाफ़ टी स्पून सुबह लें शाम के वक्त। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छी है। इसके लिए अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे पास है जी 2 टेबल स्पून मेरे पास है अजवाइन। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। 2 टेबल स्पून है मेरे पास अनारदाना। 2 टेबल स्पून है मेरे पास सौंफ, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। 2 टेबल स्पून है मेरे पास कलवंजी, ये देखिए जी कलवंजी है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून है मेरे पास खुश किया हुआ पुदीना। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून है मेरे पास ये इलायची। और ये मेरे पास है हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ये ब्लैक साल्ट यानी कि काला नमक। और अब मैं इन सब चीज़ों के आप लोगों को फ़ायदे बताऊंगी। ये मेरे पास है सबसे पहले ये है जी इलायची। इलायची मैदे की तेजाबियत को दूर करती है, पेट को बढ़ने से रोकती है, मोटापा कम करती है। हैज़ा और दस्त की सूरत में इलायची का अर्क पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुँह की बदबू को ख़त्म करती है, मैदे के ज़ख्मों को और सांस की तकलीफ़ को दूर करती है, प्यास की शिद्दत को कम करती है। और इसके लिए अब हमें ये है जी मेरे पास अजवाइन। ये मैदा, शुगर, यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और कुत मदाफ़त में काम मुकम्मल इलाज है। मोटापा ख़त्म करती है, जिस्म की सोजिश ख़त्म करती है, खुश्की की वजह से बालों का गिरना बंद करती है। अब ये मेरे पास है जी, ये सर दर्द को ख़त्म करते हैं, मतली का खात्मा करते हैं, इससे भूख लगती है, खाना हजम होता है। इसका कहवा अगर आप लोग बना के पिएँ तो ये एलर्जी के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी। पुदीने और लहसुन की चटनी बहुत मुफीद है। गुर्दे और मसाने की पथरियों के लिए भी आप लोग खा सकते हैं, पेट के कीड़े भी मरते हैं। अगर आप लोग हैज़े में खाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। ये मेरे पास है जी सौंफ। सौंफ नज़र और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करते हैं, मोटापा ख़त्म करते हैं, बदहज़मी को ख़त्म करते हैं, गैस, पेट दर्द, जिगर, ब्लड प्रेशर के और जल्द के मसाइल को हल करते हैं, दिल, गुर्दे और सांस के तकलीफ़ दूर करते हैं। मेरे पास है जी अनारदाना। अनारदाना आप लोग इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ठंडी तासीर रखने वाला है। आप लोग इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग फकी बनाएं उसमें इस्तेमाल करें, जब भी पकौड़े बनाएं। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, इससे मोटापा ख़त्म होता है, हड्डियों जो कमज़ोर होती हैं, वज़न कम करते हैं, भूख लगती है, मतली और मैदे के मसाइल का भी आसान हल है। ये है जी काला नमक, ये भी बहुत से खानों में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही गैस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसे मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल कर सकें, फकी वगैरह में इस्तेमाल करें, इससे गैस की तकलीफ़ बहुत ही जल्द ख़त्म होती है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से किसी एक ब्लेंडर जूसर लेंगे, जार लेंगे, कोई सा भी, इसमें अच्छे से इन सब चीज़ों को डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। इस तरीके से हम जब ये अच्छे से सब चीज़ें पीस जाएँ तो अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा करके इनको पीसते जाएंगे। ये देखें जिस तरीके से सब चीज़ों को पीस लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारे पास ब्लैक साल्ट था यानी कि काला नमक, इसमें हम लोग डाल देंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड को चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें जी हमारी बहुत ही अच्छी फकी बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग भी बनाएं, बहुत ही मुफीद है, मोटापे को कम करती है ये, गैस, तेजाबियत और मतली आना इसके लिए बहुत ही अच्छी है। आप लोग सुबह के टाइम पे हाफ़ टी स्पून तकरीबन पानी के साथ लें, शाम के वक्त खाने के बाद आप लोग इस तरीके से तकरीबन इतनी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये मेरी रेमेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी रेमेडी। और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।